आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने बालों को नेचुरली सॉफ्ट, सिल्की और शाइनी बनाना चाहते हैं। आज मैं घर पर ही आप लोगों को डीप कंडीशनिंग करवाने वाली हूँ। यह आपके बालों की कंडीशनिंग तो करेगी, उसके साथ साथ आपके बालों को एक नेचुरल कलर भी देगी। अब आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कंडीशनर के साथ साथ नेचुरल कलर कैसे, तो जल्दी से आइए हम वीडियो को देखते हैं। नमस्ते, मैं हूँ शालिनी, वेलकम टू माय चैनल। आओ खूबसूरती निखारते हैं। हेयर कंडीशनिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे हीना काम में लिए। जी हाँ, हीना। हीना एक ग्रीन हर्ब होता है, एक नेचुरल हर्ब होता है। ये कोई डाई मैंने काम में नहीं लिए, जो अपनी हरी मेहंदी आती है वही मैं यूज करने वाली हूँ। लोगों को काफी कंफ्यूजन रहता है कि हीना तो सिर्फ हम कलरिंग करने के लिए यूज करते हैं, बट हीना का तीन तरीके से यूज किया जाता है। कलरिंग करने के लिए हीना हेयर ग्रोथ करने के लिए भी काफी यूजफुल रहता है, और हेयर कंडीशनर करने के लिए। डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज करनी है, तो उसी अकॉर्डिंग हम हीना को प्रिपेयर करते हैं। मतलब जो हीना का पेस्ट बनता है वो अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। तो हेयर कंडीशनर रेडी करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे आयरन की कढ़ाई ली है। आप लोगों के पास नहीं अवेलेबल है तो जो अवेलेबल है आपको काम में ले लीजिए। मैंने अपने बालों की लेंथ के हिसाब से 4 चम्मच हीना इसके अंदर ऐड कर दी है। हीना के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, यूवी रेज से जो हेयर डैमेज होते हैं उनसे ये प्रोटेक्ट करता है बालों को, ये डीपली क्लीन करता है, और हेयर कंडीशनिंग के लिए तो ये बेस्ट है, और बालों में एक नेचुरल शाइन लेके आता है। अब इसके अंदर मैंने 1 चम्मच भृंगराज पाउडर डाल दिया है। भृंगराज पाउडर आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगा। मैंने इसको अमेजोन से परचेज किया है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आपको ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी। भृंगराज पाउडर बालों की लेंथ बढ़ाने के लिए तो बहुत ही शानदार है। स्कैल्प पे जो भी परेशानी होती है, लाइक डैंड्रफ हो जाता है, ईचीनेस हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, उसको भी दूर करने में हेल्प करता है, और बालों में नेचुरल शाइन प्रोवाइड करता है। अब इन दोनों को मिक्स करके आप इसे साइड में रख दीजिए, हम सेकंड प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक कंटेनर लिया है और उसके अंदर 1 ग्लास पानी ऐड कर दिया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 चम्मच चाय की पत्ती इसके अंदर ऐड कर दी है। उसके बाद यहाँ मैंने दाना मेथी पाउडर काम में लिया है। 1 स्पून दाना मेथी पाउडर इसके अंदर ऐड कर दिया है। दाना मेथी, जिसे हम फेनुग्रीक सीड बोलते हैं, दाना मेथी हेयर्स के लिए तो एकदम बेस्ट है। दाना मेथी के अंदर प्रोटीन्स एंड विटामिन्स की मात्रा बहुत ही अच्छी होती है। ये स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से हमारे हेयर फॉलिकल्स को न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं, और बालों की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, और बालों में ये शाइन भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। ये बालों को हाइड्रेट और नरिश रखता है। अब इसके अंदर मैंने 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर ऐड कर दिया है। कॉफ़ी के अंदर कैफीन क्लोरोजेनिक एसिड होता है, ये बालों के टेक्सचर को काफ़ी इम्प्रूव कर देता है। कॉफ़ी एक एक्सफोलिएटर की तरह भी काम करता है, ये स्किन को तो एक्सफोलिएट करता ही है, इसके साथ साथ स्कैल्प को भी एक्सफोलिएट करता है। मतलब ये बालों को एकदम डीपली क्लीन कर देता है, हमारा स्कैल्प एकदम क्लीन हो जाता है। जो ग्रेइंग हेयर्स होते हैं उनको काला करने में भी ये काफ़ी अफेक्टिव है। अब इसके अंदर मैंने 1 हैंडफुल करी पत्ता ऐड कर दिया है। इन सबको हमें बॉईल करना है। अगर अभी तक मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो देरी किस बात की है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और पास में बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहेंगे। अब इसे हमें बॉईल करना है, सिर्फ हमें इसे 7 से 8 मिनट के लिए बॉईल करना है। जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने इसके अंदर डाले सब का कस इसके अंदर आ जाए, तो हमें बस इसे 8 मिनट के लिए बॉईल करने के लिए चढ़ा देना है। ये देखिए आप, क्या शानदार इसका कलर आने लग गया है। ये रेमेडी काफ़ी अफेक्टिव रेमेडी है। एक बार आप इसका एप्लीकेशन कर लेंगे ना, बस फिर तो और चीज़ भूल ही जाएंगे, इसको आप अपने आप ही रिपीट करेंगे। ये इतना अफेक्टिव है, एक बार में ये बालों में क्या गजब की शाइन लेके आता है, और बालों को सॉफ्ट और सिल्की बना देता है। ये देखिए इसने क्या शानदार कलर छोड़ दिया है। ये बनके एकदम रेडी हो गया है, गैस बंद कर दीजिए, और अभी मैंने इसे ठंडा होने के लिए रख दिया है। ठंडा हो जाने के बाद मैं इसे छान लूँगी। ये आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम इसमें जो जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो बालों के लिए कितनी अफेक्टिव है, ये बालों में कितनी शानदार शाइन लेके आएगी। ये देखिए छनके क्या शानदार कलर आया है इसका। अब इसी हम पानी से हीना को भिगोएंगे।
तो आप पानी इतना ऐड करिए जितनी ज़रूरत है, ज़्यादा लिक्विड ये नहीं होना चाहिए। और इसे मिक्स करते टाइम ध्यान रखिएगा कि इसमें लम्स ना रहे, एक स्मूथ सा पेस्ट हमें रेडी करना है। अब इसके अंदर एक और चीज़ ऐड करेंगे जो हमारे बालों के लिए बहुत ही शानदार है और कंडीशनिंग करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो मैंने यहाँ पे एक चम्मच मस्टर्ड ऑयल इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये मास्क बालों में अप्लाई करने के लिए एकदम रेडी हो गया है। अब इस मास्क को हम बालों में अप्लाई करेंगे, बट सबसे पहले हम हमारे बालों को कॉम कर लेंगे, बालों को सुलझा लेंगे। अपने बालों में इसे अच्छे से अप्लाई कर लीजिए, बालों की रूट्स में और पूरे बालों की लेंथ में इसे अप्लाई कर लीजिए और एक जूड़ा बना लीजिए। मैंने तो यहाँ जूड़ा फॉर्म में दीदी से लगवा लिया था, उन्होंने मेरे अच्छे से मेहंदी लगा दी है। अगर आपके घर में भी कोई हो, मम्मी हो, किसी को बोल देना लगा दे, तो काफ़ी आसानी हो जाती है। उसके बाद आप इसको अच्छे से बांध के और एक घंटे के लिए हमें बालों में रहने देना है, क्योंकि हम हेयर कंडीशनिंग कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा हमें रिक्वायरमेंट नहीं है बालों में रखने की। सिर्फ आप एक घंटा रखिए, देन आप माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लीजिए। इस मास्क को आप एवरी 15 डेज में रिपीट करिए। एक ही वॉश में देखिएगा आपको क्या गजब का रिजल्ट मिलेगा। आपके बालों में एक अलग सी शाइन आपको देखने को मिलेगी और बाल स्मूथ हो जाएंगे। अगर इस रेमेडी को आप कंटिन्यू अप्लाई करते रहते हैं तो आपके बाल एकदम सॉफ्ट, सिल्की और शाइनी हो जाएंगे। और उसके साथ साथ आपको अपने बालों में एक नेचुरल बरगंडी कलर भी देखने को मिलेगा। आप धूप में जाते हो तो देखिएगा बाल क्या शानदार शाइन करते हैं, बालों में एक बढ़िया सा नेचुरल सा बरगंडी कलर आ जाता है। अगर आप लोगों को मेरी ये रेमेडी पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेंबर के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसके रिजल्ट जरूर शेयर कीजिएगा। कीप अप्लाइंग, कीप शाइनिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।